राज्यपाल निवास की ओर जाते हुए नीतीश कुमार की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, यानी संकेत बिल्कुल साफ है और सब कुछ लगता है अब आनन फानन में आज ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की शशि भूषण, राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। देखिए बिल्कुल राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन ये हाईटी पहले से तय है। बिहार में जो राजनीतिक हलचल है उसके बीच नीतीश कुमार का राजभवन जाना अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन गणतंत्र दिवस है आज और राजभवन में शाम के वक्त महामहिम राज्यपाल की तरफ से हाईटी का आयोजन किया जाता है और इस वक्त हम राजभवन के पास ही मौजूद है। तो यहाँ जो हलचल है वो इसी वजह से है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो जजेस हैं हाईकोर्ट के, जो दूसरे अधिकारी हैं, तमाम लोगों को न्योता जाता है और नीतीश कुमार इस हाईटी के लिए इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। और ये ऐसा वक्त है, एक ऐसी स्थिति है बिहार की सियासत में कि नीतीश कुमार अगर जब कभी भी एक अणे मार्ग से राजभवन का रुख करते हैं तो हलचल बढ़ जाती है और सबको लगता है कि नीतीश क्या वाकई फैसले के लिए आगे बढ़ गए हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल चाय पर बात होगी, मुलाकात होगी और उसके बाद अंदर क्या क्या रंग आएंगे। अंजना, हमारे सहयोगी रोहित सिंह भी राजभवन के अंदर मौजूद हैं तो वो वहां से बाकी डिटेल बताएंगे। लेकिन इस वक्त बिहार में जो सियासी हलचल है उसमें बड़ा डेवलपमेंट ये कि आरजेडी ने अपनी तरफ से क्लैरिटी की मांग की है, नीतीश कुमार से सीधे कहा है। आप याद करिए 2017 में जब तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जब केंद्रीय एजेंसियों के रडार पे तेजस्वी थे, जेडीयू ये कहती थी कि तेजस्वी यादव को आकर के स्पष्टता देनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आखिर कौन से मामले हैं, उनके ऊपर क्यों एजेंसियों ने मामला दर्ज किया है। और आज देखिए स्थिति, और ये दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए हाईटी के लिए वो पहुंचे हुए हैं और हाईटी की तस्वीरें हम शशि दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से निर्धारित था, लेकिन जिस तरह की हलचल अभी है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ अपनी सरकार नए सिरे से बनाने के लिए वो अर्जी दे सकते हैं राजभवन में, इसलिए शायद इतनी ज्यादा चर्चा आज उनके राजभवन पहुंचने पर शशि हो रही है। ये नीतीश कुमार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, अभिनंदन स्वीकार करते हुए, नमस्ते सबको करते हुए। और सुजीत, ये खबर एक तरह से और भी आज इस रूप में आगे बढ़ती हुई कि राजभवन पहुंचे हैं, चाहे पहले से निर्धारित हो, हाईटी हो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, लेकिन अटकलों का बाजार जिस तरह से गर्म है, उनकी अब बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाने की, उसकी वजह से ये बैठक खास है। अंजना, मैं पूरे आपके सवाल को पूरा नहीं सुन पाया, क्या क्या पूछ रही थी? राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार पहुंच गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक की है। यहां पर आज गणतंत्र दिवस पर पहले से निर्धारित ये टी पार्टी थी, लेकिन ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये परंपरागत ये है, कस्टमरी है, ये हर साल आयोजन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा गणतंत्र दिवस की संध्या पर। और उस दिन जो है सारे जो मुख्यमंत्री, तमाम न्यायाधीश और उप मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग वहां पर आमंत्रित होते हैं। हम लोगों को भी आमंत्रण मिलता है वहां के लिए। तो ये असल में परिस्थिति ऐसी है जिसको देख के ये लगता है, आपको याद होगा 3 दिन पहले नीतीश कुमार गए थे राजभवन राज्यपाल से मिलने। कहा जा रहा था कि कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर वो बैठक हुई थी, 40 मिनट रहे थे उसमें। हालांकि कुलपतियों की नियुक्ति भी हुई, लेकिन जो बाद में जानकारी मिली कि अलग से भी नीतीश कुमार ने राज्यपाल महोदय से बातचीत की थी। उनके साथ गए थे विजय कुमार चौधरी, वो नीचे बैठे रहे जबकि ये दोनों अलग से अलग कमरे में इनकी बात हुई थी। देखिए सुजीत, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, मुझे लगता है कि अगर सरकारी कार्यक्रम है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं है? बिल्कुल, उनको होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आज आप देखिए सुबह में गांधी मैदान में जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें उप मुख्यमंत्री थे वहां पर तेजस्वी यादव, भले ही उनमें दूरी दिख रही थी दोनों में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन वो वहां मौजूद थे। यहाँ भी उनका होना चाहिए क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि एक सरकारी कार्यक्रम है और राज्यपाल के द्वारा ये आमंत्रण दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर और उनको तो जाना ही चाहिए। मान लीजिए उनको अगर अपना दावा भी पेश करना है तो राजभवन तो जाना ही पड़ेगा, तो पहले चाय पी लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगता है जाएंगे, हो सकता है कि देर सवेर जाएंगे, ये जो कार्यक्रम है कुछ देर चलेगा, ये करीब 4 बजे इसकी शुरुआत होती है, 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। तो निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्थितियां बनी हैं, कल तक जो दोनों साथ साथ घूमते थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार बहुत भरोसा भी करते थे और कई बार उन्होंने कहा भी पहले कि आगे तो इन्हीं को देखना है, लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, अब दोनों में दूरी साफ नजर आ रही है। अब आरजेडी ने भी अब एक तरह से मान लिया है कि स्थिति हाथ से निकल रही है, इसलिए अल्टीमेटम भी दिया है आरजेडी ने नीतीश कुमार को कि शाम तक अपनी स्थिति को आप स्पष्ट कर दीजिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप रहिएगा या जाइएगा, हमको बता दीजिए ताकि हम अपना थोड़ी अंदर की तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को जरा दिखा दें और समझा भी दें। आप देख रहे हैं राज्यपाल को श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो इस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने और उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी समझिए कि गणतंत्र दिवस का मौका है और आज नीतीश कुमार चेहरे पर मुस्कान लिए मीडिया की तरफ देखकर नमस्ते भी कर रहे हैं, अभिनंदन सबका स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी बहुत बड़ी कहानी लिख रही है। ये देखिए गणतंत्र, हो सकता है वो कुछ देर में आ जाए, अभी लेकिन वहां पर नहीं है। शशि हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं। शशि, पहले से निर्धारित ही सही, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम इस वक्त बिहार में है, चर्चा तेज हो रही है कि हो सकता है ऑन द साइडलाइंस वो आगे की भी रणनीति पर बात करें। राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पे मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब वो उनके नजदीक कैमरे तो नहीं पहुंच पाते हैं ना हम समझ पाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है अंजना। और जो तस्वीरें अंदर से इस वक्त आ रही हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, नीतीश कुमार थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हैं। जो स्ट्रेस हमने देखा है पिछले हफ्ते दो हफ्ते में, वो स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज हुआ है नीतीश कुमार का। और आज सुबह भी राज्यपाल से जब वो मिले थे गांधी मैदान में, तो उस वक्त राज्यपाल से मिलते वक्त उनके कंफर्ट लेवल में कोई परेशानी नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, तेजस्वी यादव को अगर वो सामने देखते हैं तो उनका चेहरा और उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और ये यही अपने आप में बड़ा इंडिकेशन भी है नीतीश कुमार को, जितना हम समझते हैं, जितने अरसे से हमने देखा है उनके राजनीतिक रिश्ते को बनते बिगड़ते, गठबंधन से अलग होते, नए गठबंधन में जाते, नीतीश लगभग अपने सब कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल पे, बता देते हैं कि क्या होने वाला। अशोक चौधरी सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है, कुछ मोबाइल पर उन्हें दिखा रहे हैं और फुसफुसाहट चल रही है। हाँ हाँ हाँ, रोहित 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 अंदर पहुंच गए। रोहित बताइए, रोहित बताइए, आवाज आ रही है, रोहित बताइए। अंजना 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 मुख्यमंत्री अंजना, गणतंत्र दिवस का मौका है और शाम के वक्त राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और हाईटी का आयोजन है और नीतीश कुमार यहां पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप तस्वीरों में देख सकती हैं, नीतीश कुमार यहां पर अशोक चौधरी से बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है अशोक चौधरी उन्हें मोबाइल पर कुछ से दिखा रहे हैं, जिसको काफी गंभीरता के साथ नीतीश कुमार देख रहे हैं। संभवतः ये कुछ दिखा रहे हो कि किस तरीके की खबरें चल रही हैं उसको देख रहे हो, दिखा रहे होंगे आंकड़े तो हम भी टीवी पर दिखा रहे हैं, कुछ फोटो वोटो दिखा रहे होंगे, कुछ ट्वीट, कुछ जानकारी, कोई आर्टिकल। देखिए यहाँ अंजना, दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए अवधेश नारायण सिंह से नीतीश कुमार यहाँ पर मुस्कुराकर कुछ बात करते हुए, उसके बाद प्रमोद कुमार हैं बीजेपी के विधायक, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पटना की मेयर जो बीजेपी की हैं सीता साहू, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि आप देख सकते हैं बीजेपी के तीन चार लोग जो है यहाँ पर सीनियर नेता, वो यहाँ पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार उनसे यहाँ पर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी हैं, देखिए जीतन राम मांझी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यही वो नेता है जिन्हें आज से एक डेढ़ महीने पहले नीतीश कुमार ने खूब खरी खोटी विधानसभा के अंदर सुनाया था। लेकिन अब एक बार ये हालात है कि संभवतः एक बार फिर से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी एक ही कैंप में रहेंगे, एनडीए कैंप में रहेंगे। हालांकि अभी दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के जो हाव भाव आप देख सकते हैं, हाव भाव से काफी इस वक्त कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव गायब है, रोहित फिलहाल तो मौजूद नहीं, रोहित तेजस्वी यादव गायब है, सुबह के कार्यक्रम में थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे रहना चाहिए था। बिल्कुल देखिए
बिल्कुल तेजस्वी यादव जो ये गायब है वो बड़ा संदेश दे रहा है, और सुबह भी जब हमने तस्वीरें दिखाई थी दो गज की दूरी नीतीश कुमार ने बना ली थी तेजस्वी यादव से, बिना मतलब का एक कुर्सी खाली वहाँ बीच में लगा देना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, साफ संकेत था कि दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार किसी भी प्रकार से उनसे कोई संपर्क नहीं करना चाहते हैं, ना आँख भी नहीं मिलाना चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए वो कुर्सी जो है खाली कुर्सी लगाई गई थी नीतीश और तेजस्वी के बीच में। और यहाँ पर अभी आप देखिए तेजस्वी यादव यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और यहाँ पर बगल वाली कुर्सी में रोहित, बगल वाली कुर्सी में तो डेप्यूटी सीएम हमेशा बैठते हैं, आजकल दोनों के बीच में खाली कुर्सी रह रही है, लेकिन आज बगल वाली कुर्सी पर अशोक चौधरी है। बिल्कुल देखिए ये बड़ा परिवर्तन है, नीतीश कुमार के बगल में हमेशा पिछले एक डेढ़ साल से आप देखिए तो तेजस्वी यादव ही बैठा करते थे, और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कई मौक़ों पर अपना उत्तराधिकारी बताते थे और कहते थे कि इन्हीं को आगे चलाना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, लेकिन अब उसी उप मुख्यमंत्री से औचित्य तेजस्वी यादव से अब इतनी दूरी बढ़ गई है कि अब तेजस्वी यादव यहाँ उस कार्यक्रम में आए भी नहीं है, और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस वक्त अपने बंगले पर हैं, और जो राजनीतिक हालात हैं और जो संख्या बल हैं उस पर बड़ा ज़ोरदार मंथन इस वक्त चल रहा है लालू कैंप में। लेकिन नीतीश कुमार को देख सकते हैं यहाँ पर काफी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, साथ में अशोक चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, और आरजेडी का कोई भी तेजस्वी सहित आरजेडी का कोई विधायक जो है इस कार्यक्रम में नहीं आया है, और साफ तौर पर संदेश है कि आरजेडी ने इस कार्यक्रम का एक लगता है कि उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, वो लोग दूसरे आरजेडी कैंप जो है वो संख्या बल जुटाने की कोशिश में पूरे तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी तस्वीर साफ हो गई होगी, चाहे जितना भी नकारे बाहर आकर मनोज झा, लेकिन उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि जीतन राम मांझी को भी आप देख रहे हैं अशोक चौधरी से फिर बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ये फुसफुसाहट वहां पर चल रही है, कुर्सियां खाली भी है बगल वाली कुर्सी पर जहां डिप्टी सीएम को होना चाहिए था, वहां पर अशोक चौधरी उनके करीबी मंत्री को देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर किस्सा कुर्सी का ही है, किस्सा कुर्सी का ही है, कहीं कुर्सी खाली है, कहीं कुर्सी इधर से उधर पलट रही है। आइए आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी जो नीतीश कुमार अब बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे तो ज्ञान वापी दिख रहा है, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बाड़ी है, मुझे वही दिख रहा है। ममता बनर्जी के बाद अब नीतीश कुमार भी जो है अलग होते नजर आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक से, इंडी गवर्नमेंट इंडी गठबंधन संतरे की तरह ऊपर से फिट फाट भीतर से फाके फाक। सर एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा जी। ये थे गिरिराज सिंह, कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है, अपने बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, खूब हमला करते थे नीतीश बाबू पर, पलटू राम से लेकर क्या कुछ नहीं कहते थे, आज बोली बिल्कुल बदल गई है, सबसे बड़ा संकेत तो यही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन की, जहां पर हाईटी की इस मीटिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन अदालत है यहां पर सीन से तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी अपने करीबी मंत्री के साथ बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार उनसे ही कुछ कुछ चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल पर कुछ दिखाया अशोक चौधरी ने उन्हें, देख रहे हैं हाथ भी मल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कुर्सी का ये किस्सा ये बता रहा है। ये देखिए तेजस्वी की पर्ची हटाकर अशोक चौधरी बैठे हैं, ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि वहां पर तेजस्वी यादव का नाम रखा हुआ था और वो नेम प्लेट हटाकर वहां पर अशोक चौधरी बैठ गए हैं। राजभवन में तेजस्वी यादव की कुर्सी, अब जो जानकारी आ रही है हाईटी के कार्यक्रम में राजभवन पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव की कुर्सी वहां खाली बताई जा रही है, अशोक चौधरी उनके बगल में बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए नीतीश बाबू कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं। रोहित बताइए, बताते हैं नदीम चल दिखाओ ना। अंजना बड़ी खबर यह है कि बीजेपी से जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा अब आ चुके हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये देखिए विजय सिन्हा जो कि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष और
पिछली सरकार में स्पीकर हुआ करते थे जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। अब देखिए विजय कुमार सिन्हा से यहाँ पर बातचीत करते हुए नीतीश कुमार, देखिए बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हो रही है। बीच में अशोक चौधरी बैठे हुए हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है अंजना, कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के तरफ अब उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बॉडी लैंग्वेज देखिए कितनी कम्फर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है विजय सिन्हा, वो भी जो एक नेता है जो पानी पी पी कर नीतीश कुमार को भला बुरा कहा करते थे, लेकिन आज विजय कुमार सिन्हा को देखिए वो कितनी कम सहज तरीके से वहाँ बैठ गए हैं आकर, और अब नीतीश कुमार के साथ वो यहाँ पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। संभवतः एक अगले 24 घंटे में क्या बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल सकता है। और वही देखिए आज तस्वीर कैसे बदली है, आज कानाफूसी हो रही है। और इधर विजय सिन्हा लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि बीजेपी के नेता हैं, पहले जब बीजेपी के साथ सरकार थी स्पीकर थे, वो विजय सिन्हा आकर बगल में बैठे हैं। तस्वीर आज ये सब कुछ बता रही है। ये हाईटी जरूर राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पटकथा लिखी जा रही है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फिर से पलटने की, जिसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ वो सरकार बनाएंगे। वहां पर नदारद हैं तेजस्वी यादव, लेकिन विजय सिन्हा बगल में बैठे हैं, अशोक चौधरी बैठे हैं और उनसे चर्चा चल रही है।